अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर एक जोड़े की तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हो चुकी हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने की असल वजह शादी के बंधन में जुड़ने वाले लड़के और लड़की की उम्रें और इनकी मासूमियत है। डॉक्टर जरपश खान बेसिकली एक टिकटॉक स्टार भी हैं और ये अपना ब्यूटी सैलून भी चलाती हैं लाहौर में। इनकी दो ब्रांचेज, एक अल हफीज टावर MM आलम रोड पर और दूसरी बहरिया टाउन में ब्रांच है, जहाँ ये मुख्तलिफ पेशेंट्स का इलाज करती हैं और फिर काफी सारे टिकटॉक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी काफी फैन फॉलोइंग है। इनके भाई की शादी हुई जिसका नाम असद है और जिस लड़की से इन्होंने शादी की उसका नाम निमरा है। इस नौजवान जोड़े की शादी की तस्वीरें और वीडियोस देखी जाएं तो इस बार का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि यह जोड़ा हाल में ही उम्र बलूग को पहुँचा है। इस जोड़े की शादी का किस्सा इंतहा दिलचस्प है। इसके अलावा इस नौजवान की शादी से जो हमें रिजल्ट मिला वो काफी फिक्र अंगेज है, लेकिन अफसोस की बात यह है की इस जोड़े का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। इस जोड़े की शादी की तफसीलात बताने से पहले मैं चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल ब्राइड वे प्रेजेंट को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस जोड़े के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही इनके नाम बता दिए हैं कि लड़के का नाम असद और लड़की का नाम निमरा है। असद और निमरा की दोस्ती 2 माह कबल फेसबुक के ग्रुप में हुई। दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। जब असद ने निमरा से मोहब्बत का इजहार किया तो निमरा का जवाब में ये कहना था कि मैं शादी के बाद प्यार मोहब्बत में यकीन रखती हूँ, तुम मुझे मेरे घर वालों से मांग कर ले जाओ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। 99% लड़के लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, बीवी नहीं। निमरा की बात सुनकर असद की आंखों में आंसू आ गए। असद ने अपने घर जाकर अपने घर वालों से बात की तो उसके घर वालों ने मजाक समझ कर टाल दिया, लेकिन असद इस मामले में अपनी बात का पक्का निकला। बकौल असद की बहन के उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। असद ने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को निमरा के घर जाने के लिए राजी किया। असद इस वक्त फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और निमरा सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। दोनों की उम्र 18 साल है। 2 दिन कबल इन्होंने हलाल रास्ते पर चलते हुए निकाह कर लिया। अब ये पसंद की शादी है ये बाद की बात है, लेकिन हकीकत में दोनों ने इंतहाई अच्छा कदम उठाया। दोनों बहुत सी समाजी बुराइयों से बच गए, मगर अलमिया ये है कि पूरे सोशल मीडिया पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरा के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की उम्र में भरी है और असद के बारे में कहा जा रहा है कि जिस उम्र में हम सब्जियां लाया करते थे, देखो इस लड़के ने इस उम्र में शादी कर ली। इस कपल को लेकर सोशल मीडिया आपको काफी बकवास बातों से भरा हुआ मिलेगा। मेरी उन लोगों से जिन्हें सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है, उनसे गुजारिश है कि इनका मजाक मत उड़ाएं। इस नौजवान जोड़े की शादी से हमें सबक मिलता है। माशरे के बाकी लोग भी उम्र के मसलों से बाहर निकलें और बच्चों की शादियों में जल्दी करें, ताकि छोटी उम्र के चक्कर में अपने बच्चों को 30 साल तक घर न बिठाए रखें। ये शादी माशरे के लिए मिसाल है। तालीम शादी के बाद भी जारी रखी जा सकती है। आपको बताता चलूँ कि असद और निमरा ओमान मुंतकिल हो जाएंगे, जहाँ वो अपनी तालीम जारी रखेंगे। इस नौजवान जोड़े ने कोई बुरा काम नहीं किया, बिल्कुल एक हलाल काम किया है, सुन्नत पर अमल पैरा हुए हैं। खुदा ना खास्ता इन लोगों ने कोई जना नहीं किया जो इस तरह इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस शादी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं। जब आप किसी को पसंद करें तो जल्द अज जल्द निकाह कर लें। जमाने में फैलने वाले जना और रेप से बचने के लिए बेहतर हाल यही है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं तो इनका निकाह कर दिया जाए। इस नौजवान जोड़े पर बातें या इल्जाम लगाने वाले कभी जना करने वालों पर नहीं हंसते। आज पाकिस्तानी लोग अगर इस जोड़े को मिसाल बना लें और इस तरह निकाह और शादियों का रिवाज आम कर दें तो पाकिस्तानी कौम हजारों किस्म के खुराफात से बच सकती है। ब्राइट वे की टीम की तरफ से असद और निमरा को ढेर ढेर मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस जोड़े को हमेशा खुशोखुर्रम रखे। आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखो और इस दुआ खैर का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।